नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ई चालान कैसे भरना है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप ई चालान कैसे भर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है हम किसी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी हम गलती से ट्रैफिक रूल को तोड़ देते हैं। तो ये होता है कि ई चालान आजकल मध्य प्रदेश में चला हुआ है, इसका बहुत चलन चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हो रहा है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो ई चालान का बहुत चलन चलते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है। तो पुलिस इस समय ई चालान बहुत भेज रही है, तो आप भी अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही, अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से ही आप ई चालान भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ई चालान नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश पुलिस बहुत एक्टिव चल रही है। और अभी खबर तो ये आ रही है कि 14 मई से पहले, ये खबर आ रही थी 14 मई से पहले, जिन्होंने भी ई चालान, अपने पेंडिंग ई चालान नहीं भरे हैं, उनको जेल तक करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश पुलिस। लेकिन ये जो बात है ये भोपाल तक सीमित है, मध्य प्रदेश के भोपाल तक। और 3000 लोगों को चिन्हित किया गया था कि इन 3000 लोगों ने समय पे ई चालान नहीं भरा है। तो अगर आपने भी अभी तक ई चालान नहीं भरा है तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मोबाइल की मदद से, अपने घर में लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से आप घर बैठे ई चालान भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात है, इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश में ई चालान कैसे भरना यही बताने वाला हूँ। बाद में हम वीडियो बनाएंगे अलग राज्यों के लिए, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तब यह वीडियो आपके काम आएगी। यहाँ पे एक बात और समझने की है कि यदि आप यह चेक करना चाहते हैं कि हमारा ई चालान तो नहीं आया है, कहीं हमारे ऊपर तो चालान नहीं लगा है, तो वह भी आप चेक कर सकते हैं जो विधि मैं बताऊंगा उसी विधि के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे भरना है ई चालान। तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई चालान भरने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर किसी में भी जाना, क्रोम ब्राउजर में है, किसी से भी आप भरें, आप क्रोम ब्राउजर में चले जाएं या कोई और ब्राउजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जनरली क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर यहाँ पर आपको टाइप करना है ecalan.mponline.gov.in। इस वेबसाइट को हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप चाहें तो वहीं से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए करना क्या और कैसे है। तो यहाँ पे हमें इसको वेबसाइट को सर्च करना है। ये याद रखने वाली बात है कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो गाड़ी है, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या हैवी व्हीकल हो, वो मध्य प्रदेश RTO में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आएंगे इस पेज में, जब आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, अब आपको अगर चेक करना है, मान लीजिए आपके पास चालान नहीं भी आया है, अब चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको करना है कि आपको अपने गाड़ी का नंबर डालना है। लेकिन याद रखना है सब कुछ कैपिटल लेटर में हो, ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी गाड़ी का नंबर। तो ये जब आप यहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर डाल लेंगे, फिर यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है वो डालना है। कैप्चा में हमेशा याद रखिएगा कि कैप्चा कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर में आ जाता है, साथ में कुछ इसमें नंबर्स भी होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से डालिएगा। और जब आप इसको डालेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो अगर आपका चालान होगा तो आ जाएगा, जैसे जिस गाड़ी का नंबर मैंने अभी डाला है तो उस पर एक चालान है तो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट पेमेंट की बात कर रहा है कि क्या मोबाइल का नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह बता दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। लेकिन ये चेक करना है कि भाई मेरा जो चालान आया है वो मेरा कहाँ का आया है, मैंने कहाँ पे ट्रैफिक रूल तोड़ा है, या मेरा मैंने किया क्या है, कौन गाड़ी चला रहा था वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। करने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ऑफ एंड डाउनलोड, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डाउनलोड ई चालान फॉर ऑफ एंड डिटेल, तो इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, जो आपका ई चालान है उसकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड हो गई, यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक रूल तोड़ा है उसका फोटो भी दिया गया है, डेट वगैरह दी गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरे को पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डाल देंगे, इसके बाद आपको सिलेक्ट द पे क्लिक करना है और यहाँ पे चालान में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शुल्क दिखा देगा कि आपका कितने रुपए हुए हैं, अगर आपका हैवी व्हीकल है और या तो फोर व्हीलर है तो ज़्यादा पेनल्टी लगती है, ज़्यादा चालान आता है, और अगर आपका टू व्हीलर है तो कम चालान आता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो जिस वेबसाइट से आप ये चालान पेश कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं चालान का, तो वो वेबसाइट भी आपसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे टोटल कंपाउंडिंग फी 250 रुपीज़, यानी ये 250 रुपये सरकार के पास जाएगा जो आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है उसके लिए, और टोटल पोर्टल चार्ज 10 रुपये, यानी 270
260 रुपये आपको देना पड़ेगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट 260 रुपये लिखा हुआ है। यानी पोर्टल आप जिसका यूज़ कर रहे हैं उसका सर्वर का पैसा, उसका डिजाइनिंग का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा जो लगता है वो सब कुछ भी आपसे लिया जा रहा है। एम पी ऑनलाइन के थ्रू आप कर रहे हैं तो एम पी ऑनलाइन के पास वो 10 रुपये जाएंगे। यहाँ पे आपको पे में क्लिक करना है। आप पे में क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे की तरफ लेके जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपको चूज करना है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो है जैसे ही आप इसकी पेमेंट करते हैं तो ये आपको एम पी ऑनलाइन के पेमेंट गेटवे में ले जाएगा और ये बोलेगा कि अगर आपके पास एम पी ऑनलाइन की आईडी है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एम पी ऑनलाइन कियोस्क आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड वगैरह से, नेट बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग में क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेट बैंकिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो यूपीआई में मैंने क्लिक कर दिया और यूपीआई में पेमेंट पेटीएम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, पेटीएम में मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट में मैंने क्लिक किया तो जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे उस मोबाइल नंबर में पेमेंट की लिंक चली जाएगी। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करना है। ये ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपका ये बैंक आ जाएगा और यहाँ पे आपको आपका यूपीआई आईडी या तो जो पिन वगैरह होता है वो डालना है तो वो पिन में डाल देता हूँ और यहाँ पे में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे में क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आपका ई चालान जो है वो पैड हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, या तो फिर आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट होता तो प्रिंट निकल जाता, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट में आप तो सेव एज अ पीडीएफ और यहाँ पे नाम वगैरह देना है और आप सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने सेव कर दिया और आपका पीडीएफ फॉर्मेट सेव हो गया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका जो चालान है व्हीकल चालान वो पेमेंट हो गया है उसका, यानी अब आपका कोई भी चालान पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे अब आपको दोबारा चेक करना है कि भाई बचा तो नहीं है, मतलब कंफर्म करना है। तो आप उसी वेबसाइट में फिर से चले आइए और यहाँ पे जाने के बाद आप फिर से व्हीकल नंबर डाल दीजिए। अगर कोई चालान होगा तो फिर से आ जाएगा और नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया कि नो चालान फाउंड, यानी कि अब आपका कोई भी चालान नहीं बचा। अगर आपके एक से ज़्यादा चालान होते तो एक से ज़्यादा चालान आ जाते और आपको टोटल अमाउंट भी आ जाता कि आपको इतने रुपये देना है। सारे चालान इंडिविजुअली अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में ई चालान जो है उसकी पेमेंट कैसे करना है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू से लेकर अंत तक कैसे ई चालान भरते हैं, वो भी अपने मोबाइल के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर अवश्य करिए और अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं Facebook में तो हमारे Facebook पेज को लाइक करिए। जुड़े रहिए द हिंदुस्तान टुडे के साथ, हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।